ओके okay, स्टूडेंट्स आज आप लोगों को मैं एक सैम्पल पेपर दिखाऊंगा जो कि प्रैक्टिस पेपर कहलाएगा साइंस का इस तरह का क्वेश्चन पेपर आ सकता है और कुछ दफ़ा आते भी रहे हैं इस तरह के ज़रूरी नहीं है कि यही वाले क्वेश्चन आएँ मगर इस पैटर्न पे आएंगे और इनमें से काफ़ी सारे आ सकते हैं आप लोग इसको अगर ध्यान से इसको अगर पढ़ें तो इसमें से कई हो सकता है आ जाएँ तो आप जो है इसको करें एक मैंने एक जगह से मिला है मुझे ये प्रैक्टिस पेपर जो है एक किसी स्कूल में एक दफ़ा इस तरह का पेपर आया हुआ है ये आपको देख लेंगे इसमें ए पी एस एस सिस्टम प्रैक्टिस पेपर साइंस का क्लास फोर एंड दिस इज साइंस सब्जेक्ट इज़ साइंस मैक्सिमम टाइम इज़ टू आवर्स एंड टोटल मार्क्स आर फिफ्टी यहाँ पर अपना नेम और अपना स्कूल लिखना है फिर सेक्शन और डेट लिखनी है यहाँ पर अपने फिर अभी फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा सेक्शन वन ऑब्जेक्टिव इसके थर्टी मार्क्स हैं मार्क्स आर है थर्टी तो इसमें क्वेश्चन वन है फिल इन द ब्लैंक्स डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑर्गन फॉर्म है तो ऑर्गन डैश डैश ये मैं साथ साथ आपको सॉल्व कराता जाता हूँ ठीक है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और आप लोग अगर चाहें तो इस ये इसको ज़रा थोड़ा सा गौर से देख लें कि इस तरह का शुरू में आएगा ये वाला मैं आपको ये सॉल्व भी करा देता हूँ क्या ख्याल है सॉल्व करा दूँ करा दूं या ऐसे ही दे दूं खुद करेंगे अच्छा चलें ठीक है मैं सॉल्व करा देता हूं जी इसको ठीक है जी फिल इन दी ब्लैंक्स डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑर्गन वर्क टूगैदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम सेकेंड इज डैश आर द बर्ड एंड एनिमल्स दैट ईट डेंग मीट ये होते हैं स्कैंजर्स स्कैंजर्स आर द बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट ईट ड मीट फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर कॉल्ड हेल्दी फूड

ये हमने तो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया अभी ठीक है इसी तरह का क्वेश्चन आएगा चूज़ द करेक्ट आंसर सेल्सियस एंड फारोनाइट स्केल इज़ यूज टू मैयर डिस्टेंस टेम्परेचर हाइट और मैथ आप लोग जानते हैं कि टेम्परेचर को मैयर करने मैर दो, दो जो है ना उसके चीज़ें जिन्हें मैयर की जाता है डिग्री सेंटिग्रेड डिग्री फॉरनाइड में तो टेम्परेचर को हम कहेंगे दिस इज़ द टेम्परेचर द राइट आंसर ठीक है जी नेक्स्ट अभी देखें इसी तरह से अगला आगे आते जाते हैं सारे विच पार्ट विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल कोल पेट्रोल विंड और डीजल देखें कोल भी फॉसिल फ्यूल है पेट्रोल भी फॉसिल फ्यूल है विंड नहीं है और डीजल भी है सो दिस विल बी आर चॉइस ठीक है विच इज दार्डेस्ट मटीरियल दैट इज़ यूज टू कट एंड पॉलिश अदर मटीरियल्स एलोमिनियम डायमंड कॉपर या स्पेलिंग इसे गलत लिखे हुए और स्टील देखिए सबसे हमने पता चला है हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे हार्डेस्ट मटेरियल जो होता है दैट इज़ डायमंड ठीक है उसको यूज़ भी हम करते हैं टू पॉलिश करने के लिए या हमने शीशा या कुछ चीज़ें कट करने के लिए नॉर्मली ग्लास कट करने के लिए डायमंड यूज़ होता है ठीक है विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए कंटेजियस डिज़ीज़ हार्ट अटैक चिकन पॉक्स मीजल्स एंड इन्फ्लुंजा हमें पता है कि चिकन पॉक्स मीजल्स और इन्फ्लुजा जो है ये तो कंटेजियस डिजीज हैं ठीक है ट्रांसफ़र हो सकती हैं इन्फेक्शस डिजीजें ठीक है तो हार्ट अटैक ऐसी डिजीज़ नहीं है कि जो कि कंटेजियस uh, हो इट इज़ नॉट अ कंटेजियस डिजीज़ हार्ट अटैक इज़ नॉट अ कंटेजियस डिजीज़ आइडेंटिफाई द फर्स्ट लिंक इन फूड चेन प्राइमरी कंज्यूमर्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्टियरी कंज्यूमर्स देखें कंज्यूमर्स तो हमेशा प्रोड्यूसर्स के बाद आएंगे ना तो प्रोड्यूसर इसमें एक ही है सो दिस इज़ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फर्स्ट हमारी लिंक होगा ठीक हो गया जी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इन द डायग्राम बिलो ऑल्सो स्टेट द डिफरेंस बिटवीन दैम ये देखें दो हैं आपको नजर आ रहे इसमें बल्ब ऑन है स्विच ऑन है इसमें स्विच ऑफ है बल्ब ऑफ है, है, है ठीक है जी सो so, यहाँ पर इन दोनों इस सर्किट को हम क्या बोलेंगे क्लोज सर्किट और इसको बोलेंगे ओपन सर्किट ये दिस इज़ क्लोज सर्किट एंड दिस इज ओपन सर्किट यहाँ पर अभी हमारे क्या आएगा इन दोनों के डिफरेंसेस हम देखते हैं ऑल दी कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड ये देखें सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं ठीक है करंट इज़ फ्लोइंग ठीक है करंट फ्लो कर रहा है तभी तो लाइट ऑन है बल्ब इज ऑन ठीक है जी और सर्किट इज़ इन ऑन स्टेट यानी इस सर्किट को हम कहेंगे इट इज़ इन ऑन स्टेट यहाँ पर जबकि ओपन सर्किट में हम आते हैं हम कहते हैं ऑल दी कंपोनेंट्स आर नॉट कनेक्टेड देखें बीच में दरमियान में ये ब्रेक है ना स्विच की फिर उसके बाद आ जाता है कि करंट डज नॉट फ्लो करंट फ्लो ही नहीं कर सकता क्योंकि पाथ कंप्लीट ही नहीं है सो करंट इज़ नॉट फ्लोइंग बल्ब इज़ ऑफ ये देखें बल्ब इज ऑफ एंड सर्किट इज़ इन ऑफ स्टेट ये इसका चौथा ये वाला पार्ट हो जाएगा ठीक हो गया जी यधे आधे नंबर के चार इसमें से थे अगर आपने चारों लिख दिए तो इन आपको दो नंबर मिल जाएंगे ठीक है टू मार्क्स ये भी मिल जाएंगे अब हन आ जा जाते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस डिजीज़ पहले भी हमने देखा है कंटेजियस और नॉन कंटेजियस डिजीज़ को पिछले हम क्वेश्चन में देखा है कंटेजियस डिजीज़ क्या होती है जी ये इट कैन बी पास्ड टू अदर्स फिर जो है नॉन कंटेजियस होती है इट कैन नॉट बी पास टू अदर्स फिर कंटेजियस जो है काज बाय टाइनी जर्म्स इट इज़ नॉट काज बाय जर्म्स ठीक है नॉन कंटेजियस होती हैं ये नॉट काज बाय जर्म्स होती हैं जबकि कंटेजियस जो होती हैं काज बाय जर्म्स होती हैं ये इनकी एग्जांपल्स हैं इन्फ्लूजा मीजल्स एंड चिकन पॉक्स इसकी एग्जांपल्स हैं कैंसर डायबिटीज़ एंड हार्ट अटैक ठीक हो गया जी ओके okay जी नेक्स्ट अभी क्वेश्चन में हम आए थे आइडेंटिफाई एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ये आप देख रहे हैं आप बिजली का एक लगा हुआ है कनेक्शन और यहाँ पर ही आपका ये ओवन जो है वो गर्म हो रहा है ठीक है जी तो से हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल इंटू हीट एनर्जी ठीक है ये ओवन आपका जो है ना ये इलेक्ट्रिक ओवन जो है वो गर्म हो रहा है और ये बिजली के कनेक्शन से बिजली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी ठीक है फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ये हम एप्पल खा रहा है और बच्चा फिर दौड़ रहा है ये इसको भी हम क्या बोलते हैं एप्पल जो होता है हमारा फूड जो होता है इसमें क्या चीज़ स्टोर्ड होती है केमिकल एनर्जी होती है और ये जो है दौड़ रहा है तो ये क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ठीक है दौड़ना भागना जो है मूवमेंट जो है वो सारी मकैनिकल इंजीनियरिंग होती है तो हम कहेंगे ये केमिकल एनर्जी इनटू मकैनिकल एनर्जी अब ये देखें ये इलेक्ट्रिक स्विच है और ये लैम्प है जब ऑन करेंगे तो क्या हम, हम कौन सी एनर्जी देंगे इलेक्ट्रिकल और जब ये ऑन हो जाएगा तो कौन सी एनर्जी मिलेगी है? हमें लाइट एनर्जी सो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी ठीक है ये सेल है सेल से बैटरी है सेल जो होता है उसमें क्या होती है केमिकल एनर्जी और बैटरी में क्या होती है लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी ये पेट्रोल है पेट्रोल में क्या होती है केमिकल एनर्जी और गाड़ी में क्या होती है मकैनिकल एनर्जी पेट्रोल डलने से यानी पेट्रोल की केमिकल एनर्जी डलने से गाड़ी की मकैनिकल एनर्जी आ जाएगी केमिकल एनर्जी इंटू मकैनिकल एनर्जी दिस इज द आंसर नेक्स्ट आ गया जी मैच दी करेक्ट ऑप्शन प्रोटीन्स मालेबिलिटी टेम्परेचर लंग्स डी कम्परेसॉरी डीकम्पोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेस्परेटरी सिस्टम बॉडी बिल्डिंग फूड एंड स्ट्रेचिंग इंटू वायर्स एंड फॉरन हाइट प्रोटीन्स जो है ना ये किसमें होती हैं प्रोटीन इज ए बॉडी बिल्डिंग फूड ठीक है जी ये थ्री इसके सामने हम लिख देते हैं मॉलेबिलिटी जो है मालेबिलिटी क्या होती है स्ट्रेचिंग इन टू वायर्स जो होती है ये होती है मालेबिलिटी टेम्परेचर जो होता है किसमें कैल्कुलेट होता है फॉरन हीट में ठीक है फाइव हमने इधर कर दिया लंग्स जो है हमारा क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है ठीक है डीकम्पोजर्स जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे डीकम्पोजर्स होते हैं सो so, यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर वन स्टेट वैदर द स्टेट इज ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स फ्लावर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फूड फॉर द प्लांट्स नहीं आई डोंट थिंक सो फ्लावर्स आर नॉट फ्लावर्स जो होते हैं वो तो फूड नहीं बनाते ठीक है तो सो दिस इज फॉल्स ए काओ इज ए प्राइमरी कंज्यूमर यस कंज्यूमर जो है जब वो जो खा रही है पौधों को तो इट्स ए प्राइमरी कंज्यूमर है ये ट्रू नियरली थ्री क्वार्टर सेवेंटी परसेंट ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाई वाटर यस इट इज ट्रू द अमाउंट ऑफ मैथ इज एन ऑब्जेक्ट द अमाउंट ऑफ मैथ इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम नहीं ये ट्रू नहीं है गौर से समझें ये ये ट्रू नहीं है ठीक है अमाउंट ऑफ मैथ जो है जो नहीं होगा ये इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज नॉट वॉल्यूम वॉलीम और चीज बता रहा है मैथ और चीज़ बताता है ठीक है सो दिस इज फॉल्स द स्मॉलेस्ट बोन इन द्यूमन बॉडी इज दिन इट इन इट्स ईयर बिल्कुल ठीक बात है जी कान के अंदर जो स्टेप्स होते हैं वो सबसे छोटी हड्डी होती है ट्रू हो गया ये ठीक हो गया जी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आ गए हैं सब्जेक्टिव और अब ना हमारे क्वेश्चन इसमें फोर क्वेश्चन करने होते हैं पाँच में से हर क्वेश्चन के चार चार नंबर हैं तो हम डिफरेंट पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिपलेट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेन व्हाई डू वी कॉल ब्रेन द मेन कंट्रोल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी ये हम बारी बारी सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको इन अगर पांचों के पांचों में आपको करके दिखाऊँगा उसमें अगर गलती हुई तो आई एम सॉरी मगर क्योंकि जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ अगर आपको गलती हुई तो आप बेशक पॉइंट आउट भी कर सकते हैं ताकि दूसरों की भी हेल्प हो जाए क्योंकि कल का दिन हमारे पास है परसों इन शाला आप लोगों का पेपर है सो so आज मैं इसको इसीलिए कर रहा हूँ तो सो so अब आते हैं हम के जी डिफरेंशिएट बिटवीन वर्टिपलेट्स एंड इन वर्टिपलेट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स और फिर है एक्सप्लेन वाई डू वी वाई डू वी कॉल ब्रेन द मेन कंट्रोल सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी पहले हम पहला पार्ट करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन वर्टिपलेट्स एंड इन वर्टिपलेट्स हम पहले लिखेंगे ए और अभी हम आगे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की दे हैव अ बैक पोन दे डोंट हैव अ बैक पोन ठीक है जी फिर है जी दे हैव अ स्केलेटन ऑफ बोन्स दे डोंट हैव अ स्केलेटन ऑफ बोन ठीक है जी मैमल्स फिश एंड एम्फीबियंस इनके एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्ट्स वॉर्म एंड स्पाइड एटसेट्रा इनवर्टिब्रेट्स की एग्जाम्पल हैं ठीक है मैमल्स फ़िश एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स वर्टिप्रेड्स की एग्जाम्पल्स हैं जबकि इनकी इनवर्टिब्रेट्स की इंसेक्ट्स वॉर्म एंड स्पाइडर एक्सेट्रा इनकी जो है होती हैं एग्ज़ाम्पल्स ठीक है जी तीन तीन चीज़ें हमने लिख दी ज़्यादा इतना अपने तो आपको कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है तीन, तीन तीन चीज़ें भी अगर लिखते हैं तो बहुत बहुत है आपका एक्सप्लेन वाई डू वी कॉल द ब्रेन द मेन कंट्रोल सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन बॉडी ठीक है ये हम थोड़ा सा हमने बताना है कि जी ब्रेन क्या क्या का का काम करता है थोड़ा सा हमने इतना ज़्यादा नहीं ठीक है ब्रेन इज़ पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम एंड इट इज द मेन कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बॉडी इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्रोसेसेस इट एंड सेंड्स बैक द इंस्ट्रक्शंस ठीक हो गए जी देखें ब्रेन इसीलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि ये सारे जिसम से इसमें इंस्ट्रक्शन आती हैं वहाँ प्रोसेस होती हैं और फिर वहाँ से इंस्ट्रक्शन जाती हैं सिग्नल्स Uh, या इंस्ट्रक्शन चीज़ें आती हैं सारी इसकी तरफ इंफॉर्मेशन जो इसके पास आती हैं वहाँ प्रोसेस होती हैं और एक कंप्यूटर का भी जैसे प्रोसेसर होता है इस तरह दिमाग हमारा जिसम का प्रोसेसर होता है इसीलिए हम इसको कहते हैं ये मेन पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम है ठीक है अब हम आते हैं जी ये डिफाइन मैटर एक्सप्लेन हाउ वी कैन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ़ मैटर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स ये पहले हाल कहते हैं ऑल फिजिकल सबस्टेंस आर मेड अप ऑफ मैटर

ये इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूर लोग लिखनी चाहिए इसी इसी तरीके से आपको लिखना चाहिए सॉलिड्स लिक्विड्स और गैसेस के तीन कॉलम्स बना लेने चाहिए सॉलिड्स का आप लिखें ये लिखेंगे ज़रूर कि दे अ डेफिनेट शेप इन लिक्विड्स का लिखेंगे दे डोंट हैव अ डेफिनेट शेप एंड हैव नो डेफिनेट शेप इस इनकी भी डेफिनेट शेप नहीं होती इनकी भी नहीं होती, नहीं होती। ये अभी इसमें ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है इसकी आप ज़रूरी नहीं है कि आप करें अगर कर दें तो अच्छी बात है दिस मीन्स दैट द शेप ऑफ ए सॉलिड डज नॉट चेंज वन इट्स मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर दिस मीन्स दैट शेप ऑफ ए लिक्विड चेंज इज बेस्ड ऑन द कंटेनर विच इट होल्ड्स दिस मीन्स द गैस विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर विच इट होल्ड्स ठीक हो गया जी ये आप अगर आप सिर्फ ऊपर वाला यही वाला लिख दें तभी काफ़ी है मगर ये लिख देंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे इसमें दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड गैसेस दे डोंट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम देखें गर्म करने से गैसेस का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है ठंडा करने से उनका कंप्रेस करने से कम हो जाता है उनका वॉल्यूम ठीक है अब ये इसी तरह इसकी एक्सप्रेशन अगर चाहें तो कर दें वरना ना करें सिर्फ ऊपर वाले जुमले जो है तीनों लिखते हैं फिर मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड ठीक है जी फिर उसकी एग्जांपल्स में पेंसिल कप आइस क्यूब जग और ब्रिक ये जो है सॉलिड की एग्जांपल हैं लिक्विड की क्या है वाटर मिल्क एंड जूस एग्जांपल इसकी क्या है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इसकी गैसेस की होगी सो so मैंने बताया ना कि ये ऊपर वाले जुमले ये वाले सिर्फ लिख दें तो ये भी काफ़ी होगा एक्सप्लेशन ना भी लिखें तो आपके लिए इट विल बी ओके ठीक है ये एग्ज़ाम्पल्स हैं एग्ज़ाम्पल्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ये वाले जो ऊपर ऊपर वाला जुमला है ना ये वाला और इसमें बाकी सारे तो आपने लिखने हैं ठीक है So, this is done. Define a food chain with an example, list various kinds of consumers you know, and B is differentiate between predators and prey. <coughs> so, food chains come, a food chain is a sequence of who eats whom in an ecosystem to get energy. For example, a grasshopper eats grass, a frog eats the grasshopper. स्नैक ईट्स द फ्रॉग एंड ईगल ईट्स द स्नैक ये हमारी फूड चेन में है दे ऑल गेट एनर्जी एंड न्यूट्रिय इन दिस प्रोसेस ठीक है ना जी ये क्या होता है कि जी ये जब आपको पता ही है आपने एग्जाम्पल बड़ी पड़ी थी अच्छी कि जी एक ग्रास वापर होता है वो ग्रास को खाता है जो है उससे अपनी एनर्जी वैर लेता है फिर उसको फ्रॉग खा लेता है फ्रॉग जो है फिर उसको स्नैक खा लेता है फिर स्नक को फिर एक ये खा लेता है ईगल तो ये सारे एक दूसरे को खाते हैं बिकॉज ये इकोसिस्टम है इसमें क्या होता है कि इन सबको अपनी अपनी फूड और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ठीक है इससे स्ट्रेंथ उनको मिल जाती है एनर्जी भी मिल जाती है अब सेकंड हम आते हैं डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन प्रेडिटर्स एंड प्रे एन एनिमल दैट हंट्स द अदर एनिमल्स इज कॉल्ड अ प्रेटर एन एनिमल हंटेड बाय अनदर एनिमल इज कॉल्ड अ प्रे ठीक हो गया जी फॉर एग्जाम्पल द फ्रॉग ईट्स द ग्रास हॉपर द फ्रॉग इज अ प्रेडिटर एंड ग्रास हॉपर इज प्रे बड़ी सिंपल सी देखें सिंपल सिंपल सी है आपने दिमाग को ठंडा रखना है कन्फ्यूज नहीं होना बड़े आराम से पेपर को सोच सोच के करना दो घंटे का टाइम होता है आपको कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है बड़े आराम आराम से सोच सोच के करना है अच्छा और बार बार मिटाते और ऐसे नहीं करते रहना आपने आराम आराम से सोच सोच के लिखते रहना अल्लाह ताला करेगा ठीक आप लोग क्वेश्चन करेंगे ठीक है डिफाइंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट टू वेज टू कंजर्व एनर्जी ये हमने बड़ी दफा पढ़ा हुआ है हम इसको देख लेते हैं और दूसरा है कि वट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन डिफरेंट कंपोनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट ये भी बार बार रिपीट हुआ हुआ है हमारे वीडियोज में सो लेट्स स्टार्ट विद द ए पार्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज़ दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नाट डिस्ट्राइड इट चेंजेज इट वन फॉर्म फ्राम अनदर फॉम ठीक है जी टू कंजर्व एनर्जी वी शुड टर्न ऑफ द लाइट्स फैंस एट्सेट्रा वायल वी गोइंग आउट ऑफ द रूम वी शुड रिप्लेस नॉर्मल बल्ब विद एनर्जी सेवर बल्बस बड़ा सिंपल सा है ना हाँ ला ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी तो आपको पता ही है कि एनर्जी के नदर वी प्रोड्यूस नॉट प्रोड्यूस या क्रिएट नहीं कर सकते ना इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इसकी फॉर्म जो होती है एक से दूसरी चेंज हो जाती है दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और हमने बता दिया कि जी हम हमें जो है ना ये जो कमरे से बाहर निकलते हुए जो बंद करते हैं वी शुड टर्न बल्ड वी आर गोइंग आउट ऑफ द रूम वी शुड पुट ऑफ द लाइट्स फैंस एयर कंडीशनिंग एक्सेट्रा और उसके बाद ये है कि हमें जो नॉर्मल बल्बस हैं उनकी जगह हमने एनर्जी सेवर बल्ब लगा लेने चाहिए बी जो है The complete path along which electricity flows is called an electric circuit. The components of an electric system uh, circuit are number one power source like battery, number two wires for electricity to pass through. number three is switch, number four is a bulb or motor. Simple energy. Okay, no? कोई तब तो मुश्किल तो है ही नहीं ना आपको तो डायग्राम भी बनानी आती है आप सिंपल सी एक बैटरी की डायग्राम बैटरी सेल सब बनाएं दोनों तरफ से तारें लगाएं दरमियान में एक स्विच लगा के सामने बल्ब लगा दें ये पूरा आपका क्या है एक सर्किट अगर आप बनाना चाहें तो वो बना दें बड़ी अच्छी बात है ठीक हो गया जी नेक्स्ट वही आ गया क्वेश्चन आपका क्या है कि एक्सप्लेन नर्वस सिस्टम एंड हाउ इट कंट्रोल एवरी एक्शन ऑफ अवर बॉडी एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिनीबल एंड नॉन रिनीबल रिसोर्स विद देल्प ऑफ एग्जाम्पल्स ठीक हो गए जी हमने जो है ना पहले तो नर्वस सिस्टम काम कहते हैं जी क्या है द नर्वस सिस्टम इज कंपोज ऑफ अ कंपोज ऑफ कंट्रोल नर्वस सिस्टम जो है कंट्रोल ऑल द नर्वस इन अ बॉडी दैट टेक द Uh, take and bring the instructions brain is the control of the nervous system the signals are brought and processed here and then the instructions are sent to different parts of the body. the in nervous system it can it is composed of control and all the nerves in a body that take the take and bring the instructions कंट्रोल क्या होता है ब्रेन इज द कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम द सिग्नल्स आर ब्रॉड एंड प्रोसेस हेयर एंड देन द इंस्ट्रक्शन आर सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द नर्व्स ठीक है जी ये आपको आना चाहिए ठीक है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है ना इनकी भी हम देख लेते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैंट आर रिसोर्सेज दैट आर रिप्लानिश नेचुरली इन द कोर्स ऑफ टाइम इन इन कंट्रास्ट द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिन्य दैट आर अवेलेबल टू अस इन लिमिटेड क्वान्टीज और दोज देट आर रीन्यूड वेरी स्लोली रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं सोलर एनर्जी विंड एनर्जी वाटर ये हर वक्त हम अवेलेबल होते हैं ना ये कभी कम ही नहीं होते जबकि नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं कोल ऑयल और गोल्ड ये देखिए ये सारी मिनरल्स हैं या ये फॉसल्स हैं जो बहुत अरसा लगती हैं बनाने में ठीक है जी सो so, डन ये हमारा सारा पेपर भी हो गया ठीक है आप लोगों ने इस पेपर्स को देख के घबराना नहीं है और बिल्कुल इन बिल्कुल ठीक ठाक आप लोगों का पेपर हो जाएगा आप लोग इसी पैटर्न पे तैयारी करते रहेंगे आपको छोटे छोटे डेफिनेशन याद होनी चाहिए और घबराए बगैर कंफ्यूज हुए बगैर आराम से सोच सोच के लिखते रहेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा विश यू गुड लक और आई होप अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा हमारी ये वाली जो है ना वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी और आप अपने दोस्तों को भी कल का देना आखिरी भी अगर बता दें अगर उन विचारों को अगर किसी को नहीं आता तो ज़रूर आए ताकि उनका फ़ायदा हो और मुझे भी स्वाब मिल जाए अल्लाह हाफिज़